नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शनि देव की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए पांच महाप्रभावशाली उपाय बताऊंगा। पांच ऐसे उपाय जिनमें से कोई एक भी उपाय करने पर शनि देव तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के सारे बिगड़े हुए काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। जन्म कुंडली में शनि की दशा खराब होने पर, साढ़े सात या ढैया का प्रभाव होने पर व्यक्ति का जीना भारी हो जाता है, उसे अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। तो आज के उपाय आपके लिए बेहद खास हैं, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। समस्त प्रकार की शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आप शनिवार के दिन घोड़े की नाल का छल्ला बनवाएं या नाव की कील का छल्ला बनवाकर उसको 108 बार शनि मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को पढ़ करके इस मध्यमा उंगली में धारण कर लें, इस उंगली में, बीच वाली उंगली में। दोस्तों, इससे व्यक्ति को समस्त प्रकार की शनि पीड़ा से तत्काल शांति हो जाती है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की शनि पीड़ा हो या राहु और केतु की दशा आपके जीवन में है, आप नवरात्रों में माँ काली के किसी सिद्ध मंदिर में सेवा करें, झाड़ू लगाएं, वहाँ पर पोछा लगाएं, साफ सफाई करें या आपके लायक कोई भी सेवा हो उस सेवा को करें। दोस्तों, इस प्रयोग के करने से आपको समस्त प्रकार का टोना टोटका, नजर दोष, तंत्र मंत्र क्रिया और शनि राहु केतु तीनों ग्रहों की पीड़ा से तत्काल मुक्ति के योग बनेंगे। संभव हो सके तो काली मंदिर में सेवा करते समय ओम क्लीम ओम काली के इस बीज मंत्र का जाप भी करते रहें तो चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आपको मिलेंगे और आपके व्यापार में तरक्की होगी, आपके घर में सुख शांति का तत्काल माहौल बनेगा और गंभीर बीमारियों से आपको मुक्ति मिलने का भी योग बनेगा। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में शनिदेव की महादशा ढैया साढ़े साती के कारण अनेक प्रकार की टेंशन क्रिएट हो रही है, आप मंगलवार के दिन अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें या विद्वान लोगों के द्वारा कराएं। साथ ही साथ में मंगलवार के दिन ही बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। दोस्तों, ऐसा करने से अद्भुत रिजल्ट व्यक्ति को मिलते हैं और समस्त प्रकार की शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा हनुमान जी को वरदान है। शनिवार के दिन काली गाय को उड़द और चावल का भोजन बनाकर खिलाएं या तेल के पराठे खिलाएं और काले तिल, शक्कर और उसके साथ में थोड़ा आटा मिक्स करके चींटियों को खिलाएं शाम के समय। तो दोस्तों, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, भैरव जी महाराज की उपासना करने से, भैरव जी के मंदिर में सेवा करने से और अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन ओम बम बटुका या नमः भैरव जी का यह मंत्र जाप करने से भी व्यक्ति को समस्त प्रकार की व्यापार में रुकावट, टोना टोटका, नजर दोष और शनि राहु केतु समस्त प्रकार के अनिष्ट ग्रहों से शांति होती है, मुक्ति मिलती है। यह भी एक अद्भुत और अनुभूत उपाय है। इन सारे उपायों में से जो भी उपाय आपको ईजी हो, आसान हो, आपके मन के अनुकूल हो, उसका चुनाव करें। और दोस्तों, सेवकों को प्रसन्न करने से, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से भी शनि की कृपा व्यक्ति के ऊपर होती है। शनि न्यायप्रिय देवता हैं, इसलिए झूठ बोलने से बचें। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, छल कपट का सहारा लेता है, उसे शनि देव के कोप का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थे शनि देव से संबंधित कुछ उपाय। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।